दोस्तों, अर्णिता की पीठ पीछे आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके बारे में सुनकर आपको भी हैरानगी होगी। आखिर अर्णिता के पीछे कौन सा बड़ा काम हो गया है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए पवनदीप राजन की दोस्त अर्णिता कांजीलाल से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट और एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आ गए हैं जिसका इंतजार शायद आज हर शख्स कर रहा था। दरअसल आपको बता दें कि कई दिनों से अर्णिता कांजीलाल कहां पर है और क्या कर रही है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसी बीच अर्णिता कांजीलाल से जुड़ी एक खबर पिछले कल यानी लगभग 18 घंटे पहले आ चुकी है। आखिर क्या है पूरी खबर? आखिर अर्णिता कांजीलाल के पीछे कौन सा बड़ा काम हो गया है? चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे के निशान को जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पवनदीप राजन के दोस्त अर्णिता कांजीलाल को लेकर एक खबर आई थी कि अर्णिता कांजीलाल ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर लिया है, क्योंकि अर्णिता कांजीलाल ने बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर एक्टर में से एक यानी मृणाल ठाकुर के लिए एक गाना गाया है जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और अब आपको बता दें कि अर्णिता कांजीलाल ने बॉलीवुड में डेब्यू करते हुए जो गाना गाया था जिसका नाम इश्क करूं है, वो पिछले कल रिलीज हो चुका है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अर्णिता कांजीलाल के पीठ पीछे बहुत बड़ा काम हो गया है, क्योंकि आज आपको बता दें कि कई दिनों से ये कोई नहीं जानता कि अर्णिता कांजीलाल आखिर कहाँ हैं, मुंबई में हैं, बेंगलोर में हैं या फिर कहीं और। वेल दोस्तों, अगर आपने इस गाने को सुना है तो आपको ये गाना कैसा लग रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।